दोस्तों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई दूर भागता है। अरे बाप रे मैथ्स, अरे बाप रे इक्वेशंस, अरे बाप रे इंटीग्रल, अरे बाप रे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, भाग जाओ, हमको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिन्होंने इस फील्ड में एक अभिन्न छाप छोड़ी है। इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स है। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इनकी थ्योरीज को अपना बेस बना के बड़ी बड़ी इन्वेंशन की है। मैथ्स इनके लिए चुटकियों का काम था, खेलते थे ये मैथ्स से। और पिछले 4-5 महीने से मुझे हर रोज कम से कम 3-4 स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज इनके बारे में वीडियो बनाइए। तो भैया सबका इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि हम बात करेंगे सुपर हीरो ऑफ इंडिया की, श्रीनिवास रामानुजम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम। बहुत ही कम इनका जीवन काल था, 32 साल ही जिए थे ये, लेकिन बहुत बहुत जो महान लोग होते हैं वो कम ही जीते हैं। अब ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। दो पार्ट में लेक्चर आएगा, Part 1 और Part 2। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, StudyIQ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहता हूं दोस्तों, इन पे एक मूवी बनी है हॉलीवुड की, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, बहुत लोगों ने देखी भी होगी। और दुख इस बात का है दोस्तों कि हॉलीवुड में बनी है, बॉलीवुड में गैंगस्टर्स पे मूवी बनती है, डॉन्स पे मूवी बनती है, आतंकवादियों पे मूवी बनती है, लेकिन कभी भी ऐसे महान लोगों पे मूवी नहीं बनती है। मुझे नहीं पता क्यों। हालांकि इसका एक रीजन ये भी है कि ऐसे लोगों को समझने के लिए, ऐसे महान इंसानों को समझने के लिए एक बहुत ही हायर इंटेलेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। खैर इनके बारे में हम अपने लेक्चर में तो जरूर जानेंगे, इनकी गजब की स्टोरी देखेंगे, इनका गोल्डन करियर देखेंगे और मैथ्स भी पढ़ेंगे आज हम लोग। हाँ, आज आप बच नहीं सकते बिल्कुल। Set_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हर एग्जाम्स को हमने कवर किया है। घर बैठ के आराम से नोट्स बनाइए, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए, इन नंबर्स पे कॉल करिए, फिर वेबसाइट विजिट करिए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्विक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्ली लाइफ। बहुत ही मुश्किल था इनके लिए जीवन शुरुआत का, क्योंकि काफी गरीब परिवार में ये पैदा हुए थे। पढ़ाई काफी मुश्किल थी, बहुत बीमार रहते थे, और जैसे जैसे इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है बीमारियों ने इनको ऐसे घेर लिया, और इन्हीं बीमारियों की वजह से इनकी जिंदगी का अंत भी होता है। लेकिन जब तक इनका अंत होता है तब तक ये कमाल का काम कर चुके होते हैं। फिर भैया इंग्लैंड में जब ये गए तब क्या हुआ, पता है कि उस समय 1916 का जब टाइम था, 1900 से लेकर 1940 तक ये जो टाइम था ना, अगर इंग्लैंड चले जाओ तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, लेकिन फिर जितनी भी अपर कास्ट होती हैं वो आपको डिस्कार्ड कर देती थी कि ये तो चला गया, इसने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो बड़ा मुश्किल था, ये भी देखेंगे। और इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया ये भी देखेंगे। आपको पता है कि ये वेजिटेरियन थे। अब वेजिटेरियन होने के कारण इंग्लैंड में वेजिटेरियन आसपास कहीं भी नहीं मिलता था। यही प्रॉब्लम महात्मा गांधी के साथ भी आई थी, ठीक है। और यही जो खाना था, इनकी जो फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा बिगड़ती गई, जो इनकी मौत का कारण भी बना। तो ये भी इस पे भी नजर डालेंगे। और उसके बाद फिर क्या इन्होंने थ्योरम्स दी हैं दोस्तों, जीनियस थे, एक बेहतरीन माइंड को हम स्टडी करेंगे। आपको एक रिमार्केबल चीज बताता हूं। ये बताते हैं कि नामगिरी नाम के भगवान आते थे, वो इनको सारी थ्योरम देते थे, जितनी भी चीजें होती थी ये मैथ्स में डिस्कवर करते थे वो बताते थे, वो इनको प्रॉम्प्ट करते थे सपने में। कमाल की बात है। और इनके जो प्रोफेसर थे, ठीक है, GH Hardy, वो एथीस्ट थे, वो नास्तिक थे। और फिर हम भैया मैथ्स पढ़ेंगे, इनके मैथमेटिकल वर्क देखेंगे अगले पार्ट में। दोस्तों मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। पूरी दुनिया में अगर मैथ्स नहीं है तो कुछ नहीं है। मैथ्स नहीं तो फिजिक्स नहीं, तो इन्वेंशन नहीं, तो इकोनॉमिक्स नहीं, तो पॉलिटिक्स नहीं, लॉ नहीं, कुछ भी नहीं है। हर चीज को मैथ से हम डिनोट कर सकते हैं। पूरी जिंदगी को मैथमेटिकली इंटरप्रेट किया जा सकता है। इंसान को ग्राफ में समझाया जा सकता है, उसके कर्व्स बनाए जा सकते हैं, इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। हर चीज को मैथ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैथ्स जो होती है ना, वो रियल लैंग्वेज होती है दोस्तों। मैथ्स ही है और कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है ये मैथ्स डिस्कवर कहां हुई थी, भारत में। आर्यभट्ट की बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया, देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर 1887 में तमिल ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है, मद्रास, जो उस समय तमिलनाडु था, इरोड में, वहां पे इनका जन्म होता है। एक बहुत ही पुअर ब्राह्मण फैमिली होती है। पिताजी जो होते हैं के श्रीनिवास है एंगार, वो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में एक क्लर्क के तौर पर काम करते हैं, साड़ी की दुकान पर, ठीक है।
और जो इनकी माताजी होती है वो हाउसवाइफ होती है, लेकिन मंदिरों में भजन गाती हैं, कीर्तन गाती है। तो इनका जो बचपन रहा है वो काफी रिलीजियस रहा है, वेद पुराण भगवान बहुत सारे चीजों की शिक्षाएं जो है इनको प्रदान की इनकी माताजी ने, और काफी अच्छा। लेकिन बीमार बहुत रहे हैं, शुरू में इनको स्मॉल पॉक्स हो गया था। अब दोस्तों क्या होता है कि इस समय तो काफी वैक्सीनेशन आ गए हैं, उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है, इतना कुछ डेवलपमेंट तो था नहीं, तो मेडिकल साइंस की फील्ड में बता रहा हूँ, तो काफ़ी बीमारियों ने इनको घेर लिया था। बाद में इनको हाइड्रोसील भी हो जाता है, और हाइड्रोसील का इलाज करने के लिए इनके फैमिली के पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो एक डॉक्टर बोलता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज करूँगा। इतना आसान नहीं रहा है, काफ़ी दिक्कतें इनको आई थी एज अ हेल्थ वाइज, और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। एक टाइम पे तो इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली थी इंग्लैंड में, जब बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गई थी, इनकी तबीयत बद से बदतर हो गई थी, ठीक है। मैथ्स इनका हमेशा से पहला प्यार रहा है। अब 1892 1 अक्टूबर 1892 में लोकल स्कूल में इनको मतलब एनरोल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में इतनी रुचि नहीं दिखाते हैं, भैया इनके लिए जो है ना स्पेशल एक आदमी को रखना पड़ा था कि देखो ये पढ़ता भी है कि नहीं। हमेशा स्कूल से बचते रहते कि हमको तो स्कूल नहीं जाना, हमको तो इससे अलग ही कुछ करना है। लेकिन जब ये दूसरे स्कूल में टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, तब इनको पता चलता है कि मैथ्स क्या है, असली प्यार तो मैथ्स है, असली चीज तो मैथ्स है। यहां पे ये रियल मैथमेटिक्स से बिल्कुल मुखातिब होते हैं कि ये क्या चीज है जो इतनी गजब का है। आपको पता है 13-14 साल की उम्र में जब बच्चे मैथ्स क्या ठीक से अपने सब्जेक्ट भी नहीं समझ पाते हैं, इन्होंने तरीके ढूंढ निकाले थे कि किस तरह से बड़ी बड़ी इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 इन सबको देखो गलती हो गई होगी, इन सबको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन जो एक्स क्यूब से, क्योंकि 3 वेरिएबल्स होते हैं तो इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है, लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं। इन्होंने अपना ही तरीका ढूंढ निकाला कि किस तरह से क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री, अरे बाप रे ट्रिग्नोमेट्री तो भैया किसी को पढ़नी नहीं होती है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, सबसे आसान भी होता है मैथ्स में, ठीक है। आपको पता है कि जितने सब्जेक्ट जो है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, वो दूर से देखने में टफ लगते हैं, वो उतने ही आसान होते हैं जब आप एक्चुअली में उनको अप्लाई करेंगे। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने 13-14 साल की उम्र में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जब उस समय किसी को पता भी नहीं होता कैसे शुरुआत करनी है। लेकिन ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर रहे हैं दोस्तों, और इनको स्कॉलरशिप जो है वो हमेशा मिलती रही है, क्योंकि इनके फैमिली के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि इनकी पढ़ाई जो है वो आगे कर सके, आगे इनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर सके, स्पॉन्सर मतलब आगे इनकी पढ़ाई को बढ़ा सके, तो स्कॉलरशिप्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहते थे। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो भी सब्जेक्ट लेते थे उनको कमाल करते थे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ज्योग्राफी, तमिल, लेकिन इनका जो पहला प्यार था वो मैथ्स था, और बाकी सब्जेक्ट्स को इतना ध्यान भी नहीं देते थे, ये दिन रात मैथ्स में डूबे रहते थे। जब इनकी शादी हुई थी तब भी ये हम पूरा मैथ्स में डूबे रहते थे, खाना तक नहीं खाते थे, इनकी पत्नी कहती थी अरे खाना तो खा लो, नहीं नहीं मैथ्स पहले करनी है, इक्वेशंस पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। बड़े बड़े किताब, बड़े बड़े इन्होंने गट्ठर बना लिए थे इक्वेशंस लिख लिख के। और सबसे रिमार्केबल बात यह है दोस्तों कि ये बोलते हैं कि मुझे ये सब कुछ सपने में आता है, विजन्स आते हैं, वो मेरे दिमाग में, नामागिरी जो है वो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस डालते हैं। कमाल की बात है कि किस लेवल पे इनका माइंड जो है वो पहुंच गया था, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 14-15 साल के आते आते इनको बहुत सारे मेरिट सर्टिफिकेट, ढेर सारे स्कॉलरशिप, सब कुछ इनको मिलने लगा था। इनके टीचर्स भी समझ गए थे ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बहुत ब्रिलियंट माइंड है। लेकिन 1903 में कुछ ऐसा होता है जब वाकई में इनको एक इनलाइटेनमेंट होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनलाइटेनमेंट जो है ना वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल इनलाइटेनमेंट अलग होता है, लेकिन स्टडी का जो इनलाइटेनमेंट है वो इनको होता है अपने मैथ्स का 16 साल की उम्र में, 1903 में। ये जो है प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की कॉपी जो G.S. कार ने लिखी होती है, इस बुक को पढ़ते हैं, ये बड़ी हाई लेवल की बुक है, जीनियसेस के लिए बनाई गई है, अवेकनिंग कर देती है, जगा देती है आपके अंदर के मैथमेटिशियन को। आसान नहीं है इसको पढ़ना, मैंने भी नहीं देखा इसको। 5000 थ्योरम, 20 थ्योरम याद करने में हालत खराब हो जाती है, याद ही करने को बोलूंगा, क्योंकि कोई जब 10th 11th 12th में जो थ्योरम्स रहती थी, जितनी भी रहती थी, ज्योमेट्री की हो चाहे
ट्रिग्नोमेट्री की हो, तो उसको सब रटते ही थे, मैक्सिमम लोग तो रटते ही हैं, ठीक है, अब समझे कौन, रट लो, इससे अच्छा 5000 थ्योरम को समझ के अप्लाई करना 16 साल की उम्र में बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने ये इसको पढ़ना शुरू कर दिया, और जब इन्होंने रामानुजम ने इस बुक को पढ़ना शुरू किया, इस कलेक्शन को पढ़ना शुरू किया, तब इनको लगा कि मेरा जो पहला प्यार है वो मैथ्स ही है और मुझे अपना करियर मैथ्स में ही आगे बढ़ाना है। तो ये चीज है, बहुत जबरदस्त बुक थी। उसके बाद जब ये वहां से ग्रेजुएट होते हैं, ये आर्ट स्कूल में कोशिश करते हैं कि वहां पे इनका दाखिला हो जाए, लेकिन आर्ट स्कूल में दाखिला इनका नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं, एक दो साल एंट्रेंस देते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, सोचते हैं कि बहुत हो गया, मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, कॉलेज छोड़ देते हैं। जी हाँ, कॉलेज छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अब मुझे हायर डिग्री चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब ये संपर्क में आते हैं रामस्वामी अय्यर के, जो उस समय जाना माना नाम होता है, प्रोफेसर अय्यर भी बोला जाता है, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर होते हैं ये, ठीक है। वो इनको अपना काम दिखाते हैं, मतलब जो रामानुजम है इनको अपना काम दिखाते हैं। रामानुजम के काम, मतलब जो इन्होंने इतने सालों तक काम किए थे, जो कि 14 साल की ही उम्र में इन्होंने शुरू कर दिए थे, ढेर सारी इक्वेशंस अपने मेथड्स बना बना के कॉपीज में लिखना, जिनको भी ये दिखाते थे अमेज्ड रह जाते थे, वो शॉक रह जाते थे कि इस उम्र में इतना ब्रिलियंट दिमाग हो कैसे सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बहुत गरीब फैमिली थी इनकी, ठीक है, पैसे नहीं थे, घर चलाने के लिए मैथ्स से गुजारा नहीं चलता है, ठीक है, मैथ्स आपको रोटी नहीं दिलाएगी। हाँ, जब आप उसको अप्लाई करेंगे, जब आप मैथ्स में जॉब करेंगे, मतलब उस फील्ड को लेके जॉब करेंगे, तब अलग बात है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब इनको एक जॉब की जरूरत थी, इनको डेस्परेटली एक नौकरी चाहिए थी, ठीक है। तो नौकरी के लिए ये काफी जगह अप्लाई भी करते हैं, ट्यूशंस देते हैं, ट्यूशंस तो हर किसी का सहारा रहता है जब किसी के पास परमानेंट जॉब नहीं होती है, ठीक है, टेम्परेरली वो ट्यूशन करते हैं और जो भी पैसे आते हैं वहां पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ट्यूशंस करने लगे। मीनवाइल 1909 में, 14 जुलाई 1909 में इनकी शादी होगी जानकी, जो समय 14 साल की थी। जानकी से शादी होगी, उस समय यही होता था, चाइल्ड जो छोटे छोटे, मतलब काफी ये चलता था कि 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल शादी कर दो, ठीक है, ये होता था। इनके माताजी ने इनको सिलेक्ट किया था और दोनों की शादी हो गई थी। और इनके करियर को शेप करने में इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब 1916 में रामानुजम इंग्लैंड जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, तो वहां पे इनकी जो बीवी हैं, इनकी जो वाइफ है जानकी, वो कहती मुझे भी ले चलो, तो ये मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अभी मुझे जाने दो और पहले मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद फिर तुमको बुला लूंगा। जब वहां पे इनका काम आगे बढ़ता है, ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज में अपना काम आगे बढ़ाते हैं, तब ठीक है, अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल करते हैं, लेकिन इनकी हेल्थ डाउन होने लगती है, खाने पीने की हैबिट इनकी बिगड़ जाती है, वेजिटेरियन फूड होता नहीं है अगल बगल, बहुत दिक्कत होती है, सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। तब जब ये वापस आते हैं तो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं गई, ये मेरी सबसे बड़ी गलती। तो भैया, ये सीधा सीधा डायरेक्शन है उन लोगों को जो अपनी फैमिली को नहीं ले जाते, अपनी वाइफ को नहीं ले जाते हैं। कोई ना कोई अगर एक इंसान हो संभालने के लिए ना, तो जिंदगी एकदम बेहतर हो जाती है, ठीक है, आप बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। अगर जानकी इनके साथ होती, रामानुजम के साथ, तो शायद इनकी मौत इतनी जल्दी नहीं होती। और दोस्तों, ये बहुत दुखद है कि सिर्फ 32 साल में इनकी मौत हो गई थी। अगर ये और जीते और अपना पूरा लाइफ स्पैन पूरा करते, तो यकीनन इनको नोबेल प्राइज तो मिलता ही मिलता, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी क्रांति करके जाते, कुछ ना कुछ तो ऐसा खोज के जाते जो मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए और इस दुनिया के लिए कमाल हो जाता। लेकिन अब जो है सो है, 1920 में इनकी मौत हो गई थी और कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को बोला था कि तुमको मेरे साथ होना चाहिए था, अगर तुम होती तो मेरा ख्याल कोई ना कोई होता रखने वाला और मैं इतना बीमार नहीं पड़ता। लेकिन इनकी बीवी बहुत ज्यादा संतोषी थी, ठीक है, 1994 में इनकी बीवी की मृत्यु हुई थी, बहुत संतोषी थी, हर चीज में रामानुजम का साथ देती थी, हर चीज में बिल्कुल भी बहस नहीं करती थी, जो बोलते थे वो करती थी, मैथ्स तुमको लगानी है तो मैथ्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पूरा सपोर्ट है। तो इस तरह से बेटर हाफ थी ये, इतनी जबरदस्त, ठीक है। तो ये चीज थी। अब उसके बाद क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, शादी भी हो गई थी, जिम्मेदारियां हैं, जॉब चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी करके पैसे आने चाहिए, वरना घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो हर जगह जाते थे, नौकरी मांगते थे। फिलहाल इनको क्लर्क की जॉब मिलती है, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लरिकल, ऐसा क्लर्क ही अपॉइंट होते हैं। अब वहां पे क्या होता है कि ये जो जॉब होती है, जब वहां के लोग देखते हैं
कि ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ऐसे ही कर दे रहा है, सब फिर एकदम अमेज्ड हो जाते हैं कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं तब इनको लोग बोलते हैं कि तुम और पढ़ाई आगे बढ़ाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, यहां पे जीवन कम से कम मत बर्बाद करो। रामानुजन को भी मत पता होता है कि मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो फिर वो जो अपना काम है, मैथ्स का काम है, वो साइड बाय साइड जारी रखते हैं। जब भी उनको टाइम मिलता है वो हमेशा थ्योरम्स पे, बड़ी बड़ी थ्योरम्स पे वर्क करते हैं। सबसे बड़ा दोस्तों इनका काम, मतलब जो इन्होंने मैथ्स के लिए कंट्रीब्यूट किया, बड़े बड़े जो लॉन्ग सीरीज होती है ना, जो डाइवर्जेंट सीरीज होती है मैथ्स में, बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन, उनको इन्होंने बहुत आसान बना दिया। ठीक है, वो हम अगले पार्ट में जानेंगे कि क्या किया था उन्होंने उस चीज के लिए। उसके बाद 1912 में ये क्लर्क बनते हैं और 20 रुपए की सैलरी, बहुत कम है ना, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा होता था भैया, IMF थोड़ी ना आया था जो डिवैल्यू कर देगा हमारी करेंसी को। ठीक है, तो ये चीज थी, 20 रुपए इनको पर महीने मिलते हैं, पर मंथ मिलते हैं, और 20 रुपए की सैलरी पे ये अपनी जॉब जो है वो शुरू कर देते हैं। अब यहां पे 1913 में ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन को लेटर्स लिखना शुरू कर देते हैं, GH Hardy, जो उस समय बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं ट्रिनिटी कॉलेज में, उनको ये लेटर्स लिखना शुरू कर देते हैं। लेटर्स में यही आग्रह होता है कि सर मेरे काम को थोड़ा देखिए, जो मैंने काम किया है, इतनी मैथ्स पे और इतनी थ्योरम्स मैंने वर्क किया है, मैं आपको भेज रहा हूं, आप देखिए। जब GH Hardy देखते हैं, पहले तो GH Hardy को लगता है कोई मजाक कर रहा है और ऐसे ही कोई ये फ्रॉड है और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब वो लेटर्स को देखते हैं, उनमें अटैच्ड मैथ के वर्क्स को देखते हैं, मैथमेटिकल वर्क्स को देखते हैं जो कि रामानुजन ने किए होते हैं, GH Hardy अमेज्ड रह जाते हैं। GH Hardy बोलते हैं इतना खतरनाक, इतनी जबरदस्त थ्योरम्स जो है ये तो रेवोल्यूशनराइज कर सकती है इस दुनिया को, ये किसने लिखी है भैया, ये कौन है, इसको तो तुरंत इंग्लैंड बुलाओ, तुरंत इसको यहां पे लेके आओ, रिसर्च चालू करवाओ, ये GH Hardy का मानना होता है। तो JE Littlewood को भेजते हैं, जो कि एक और मैथमेटिशियन होते हैं, ये भी GH Hardy के साथ होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं JE Littlewood से GH Hardy, और बोलते हैं तुम भारत जाओ और रामानुजन को लेके आओ। मीनवाइल रामानुजन के लिए तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज भी कुछ ना कुछ प्लान कर रही होती है कि इनको फेलोशिप देंगे और इनको यहां पे पढ़ाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ब्रिलियंट बहुत थे। लेकिन जो इनको रियल ऑफर आता है वो भैया GH Hardy की तरफ से आ जाता है कि मैंने आपका काम देखा और आप आइए हमारे साथ काम करिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, भैया इंग्लैंड जाना है, ब्राह्मण है ये, अगर तुम इंग्लैंड गए पूरी कास्ट को छोड़ के, अपनी सोसाइटी को छोड़ के, तुमको हम पूरी तरह से कास्ट से बर्खास्त कर देंगे और तुम तो पल्यूटेड हो, ठीक है, तुमको हम वापस कभी आने नहीं देंगे। ऐसा बहुत होता था, देश छोड़ के आप नहीं जा सकते थे, अपनी सोसाइटी को छोड़ के आप नहीं जा सकते थे बाहर, चाहे वो कोई भी काम हो। तो रामानुजम इस ऑफर को रिफ्यूज कर देते पहले, वो बोलते हैं कि मैं शायद नहीं जा पाऊंगा। GH Hardy को बड़ा खराब लगता है, E Littlewood से बोलते हैं कि नहीं और ज्यादा प्रेस करो, लेकिन रामानुजम की फैमिली भी बोलती है कि मत जाओ, कंसल्टेशन होता है, और रामानुजम शुरू में एक्सेप्ट रिफ्यूज कर देते, लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि मैं अपने भगवान नामागिरी से पूछूंगा कि उनका क्या मानना है, और आवाज आती है जाओ तुम। तो रामानुजम अपने कॉन्साइंस पे बिलीव करते हैं, अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड जाने की पूरी तैयारी हो जाती है, और इंग्लैंड में जो इनका करियर शुरू होगा, वहां पे जो सारी चीजें ये करेंगे वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। मीनवाइल दोस्तों क्या होता है कि जब ये डिसीजन लेते हैं तो इनके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, पूरे बाल कटवा देते हैं ये, और जब इनकी फैमिली को ये पता चलता है, इनकी फैमिली देख के, स्पेशली इनकी माताजी देख के एकदम बेहोश हो जाती कि ये क्या कर दिया यार, कि एक ब्राह्मण फैमिली के बड़े बड़े बाल चोटी कटवा दी और तुम एकदम एक फॉरेनर अटायर में घूम रहे हो, फॉरेन अटायर में घूम रहे हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन जाना बहुत जरूरी होता है। पत्नी जो है और पति का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मासूम सा होता है, पत्नी इनको छोड़ने जाती हैं, पोर्ट पे छोड़ने जाती हैं, विदा ले रहे होते, उस समय प्लेन तो था नहीं, प्लेन होता भी तो भी इतना पैसा नहीं था रामानुजम के साथ कि पैसा देके फ्लाइट से जाते, तो शिप से बड़े बड़े लंबे टूर्स होते थे। अगर आप शिप पे बैठ रहे हैं, चेन्नई तो एक पोर्ट है ना, तो वहां से आप आराम से इंग्लैंड के लिए जा सकते हैं स्विस कैनाल होते हुए, ठीक है, तो वहां से अगर आप जाएंगे तो 2-3 महीने तो लगेंगे ही शिप से जा रहे हैं, ठीक है। तो रामानुजम और जानकी आखिरी बार मिलते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ज्यादा वर्ड्स एक्सचेंज नहीं होते हैं। रामानुजम के लिए मुश्किल वक्त होता है, लेकिन उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गोल्डन करियर है वो उनके लिए वेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अब इंग्लैंड में उनकी लाइफ कैसी थी और क्या क्या उन्होंने डिस्कवरी की,
वो सारी चीजें हम अगले पार्ट में देखेंगे, इनके मैथमेटिकल अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और सारी चीजें देखेंगे। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी आप जरूर देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है, इस इमोशनल अटैचमेंट को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।